देखो, ये ज्वाइंट ऑपरेशन था सीआई का और बीएसएफ का, और हमारी जो सामान्य शाखा जी ब्रांच है मिलके ज्वाइंट ऑपरेशन किया था, और उसमें दो टेयर में हमारा जो है डोमिनेशन था, फेंसिंग के साथ में बीएसएफ थी और पीछे जो है सीआई थी, उन्होंने अपने पार्टी लगा रखी थी। और इस ऑपरेशन में जो है वो ये जो मैंने बताया 22 पैकेट सस्पेक्टेड हीरोइन के रिकवर हुए हैं, जो कि लगभग 22 केजी के आसपास है, एक पिस्टल और एक मैगजीन और 11 राउंड और पाकिस्तान की एक सिम बरामद हुई है। तो फायरिंग वगैरह भी हुई है उनके द्वारा? जी 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 जी, पहले हमने जो है उनको चैलेंज किया, चैलेंज करने के बाद उधर से जब फायर आया तो हमारे वालों ने भी फायर किया। पाकिस्तान की ओर से कितने स्मगलर थे? दो 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 के। सर जी, जो पाइप पकड़ा गया, पाइप के साथ ही जो इधर भेजे थे, क्या था पाइप का, क्या मकसद? हाँ, देख, पाइप के थ्रू ऐसा होता है कि लड़ी बना रखी थी, तो उसमें जो है पाइप में जो है फेंसिंग में लगा के पाइप के थ्रू वो डालना है, और इधर से जो इंडिया से स्मगलर होते हैं वो आके ले जाने की कोशिश करते हैं। सर, एक तस्कर के मारे जाने की खबर है? गोली तो इंजरी तो हुई है, लेकिन अब वो जो है वहां से तो उस टाइम भाग गया था, आगे अब पता लगेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। सर, जब दूसरी तरफ जब सीमा के बाहर जो एरिया था, मतलब जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एरिया से मतलब अपना काम किया, सर ऐसा तालमेल कैसा बना और इन्होंने क्या ना कि कई इंट की चीजें होती है जो कि सारी एजेंसी अपना अपना प्रयास करती है, अगर सभी मिलकर प्रयास करते हैं तो तालमेल बन जाता है।